दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे बंदों की कहानी जिन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाकर साल भर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है और कमाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। हो सकता है आपको भी मेरी वीडियो से कुछ आइडियाज मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। उम्र से आजाद है कुछ नया करने की ख्वाहिश। 8वीं क्लास के बच्चे ने खड़ी की पेपर्स एंड पार्सल्स नाम की कंपनी। यह अनुमान लगाया गया है कि यह कंपनी साल 2020 तक 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि कैसे इस बच्चे को यह कंपनी खोलने का आइडिया आया। वो बच्चा कहता है कि 4 बजे तक मैं स्कूल में रहता हूँ, घर लौटते ही तुरंत दफ्तर जाता हूँ। छुट्टी के दिनों में दिन के पहले हिस्से में अपनी टीम के साथ मीटिंग करता हूँ और दूसरे हिस्से यानी शाम के वक्त दोस्तों के साथ खेलता हूँ। उस दिन मैं अपनी कुछ किताबें भूलवश एक अंकल के घर पर छोड़ आया था। उनका घर मेरे घर से दूर शहर के दूसरे हिस्से में था। मैं जब घर आया तो मुझे उन किताबों का ख्याल आया। उस वक्त मुझे उनकी जरूरत थी। काम करके पापा घर लौट चुके थे। किसी भी काम की तरह पहले तो यही सोचा कि पापा से बोल दूं कि वह मेरी किताबें ले आए, मगर उनको थका हारा देख उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मन में इच्छा हुई कि काश कोई ऐसी सुविधा होती जिससे वे किताबें तुरंत ही मेरे पास आ जाएं। अगले कुछ दिनों में वे किताबें मुझे मिल गई, लेकिन जब तक वे किताबें मेरे पास नहीं आई, मेरे दिमाग में एक किसी तेज कुरियर सेवा का विचार घूमता रहा। एक दिन मैंने अपनी बिल्डिंग में एक डिब्बे वाले को देखा। मैं इन डिब्बे वालों को अच्छी तरह से जानता था कि ये तय वक्त पर शहर के किसी भी कोने में हर रोज सबका खाना पहुंचाते हैं, जिसके लिए इनका समृद्ध नेटवर्क काम करता है। मैंने सोचा क्यों ना इन डिब्बे वालों को खाना के अलावा दूसरी चीजें भी डिलीवरी करनी चाहिए, खासकर कोई जरूरी कागजात या फिर किताबें आदि। इससे लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, साथ ही डिब्बे वालों की आय में बढ़ोतरी होगी। मैंने यह विचार अपने पापा से साझा किया, जो कि खुद एक बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले 13 साल के अपने बेटे की किसी दिमागी खुराफात पर एक बार में तो उन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब मैंने उन्हें इस काम के लिए किए गए अपने शोध और पूरी योजना बताई तो वह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैंने एक बैंक अधिकारी से भी अपनी योजना साझा की। उन्हें मेरी बातें इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मेरे साथ योजना को मूर्त रूप देने में जुट गए। जल्द ही पेपर एंड पार्सल नाम से हमारा मोबाइल ऐप तैयार हो गया। इसी ऐप की मदद से हम लोगों के कागज पत्र आदि डिब्बे वालों के माध्यम से विभिन्न पतों पर पहुंचाने वाले थे। 4 महीनों तक हमने ट्रायल के तौर पर इस सेवा को जांचा परखा। सब कुछ ठीक मिलने पर पिछले दिनों मैंने इस सेवा की आधिकारिक शुरुआत कर दी। मैंने 300 से ज्यादा डिब्बे वालों को अपने नेटवर्क से जोड़ा है। फिलहाल हमें हर रोज 1000 से ज्यादा डिलीवरी ऑर्डर मिल रहे हैं। डिब्बे वालों को खाना पहुंचाने के अपने मूल काम में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए मैंने पार्सल का अधिकतम भार 3 किलो तय किया है। डिब्बे वालों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम बेहद कम कीमत पर अपने आप में विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदान कर रहे हैं। मेरी सेवाएं लेने वालों में ज्यादातर लोग पैथोलॉजी लैब, बुटीक और ब्रोकरेज कंपनी वाले होते हैं। भले ही मैं अभी छोटा हूँ, पर मेरा लक्ष्य अगले 2 वर्षों में कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। मुझे सूरत के एक विश्वविद्यालय से बुलावा आया है, पढ़ने के लिए नहीं बल्कि वहाँ के बिजनेस स्टूडेंट्स को अपनी कहानी सुनाने के लिए। बदलती सोच। छोटी सी किताबों की दुकान से 14 करोड़ का बिजनेस करने वाले Amazon.in सेलर की कहानी। भारत में ऑनलाइन खरीदारी की शुरुआत किताबों से हुई थी। आज हर कोई एक क्लिक से अपनी मनपसंद किताबें मंगवाता है। किताबों को ऑनलाइन बेचना अपने आप में एक व्यापार बन गया है। हम आपको ऐसे ही एक शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ Amazon.in पर किताबों के ऑनलाइन बिजनेस और अपनी मेहनत की बदौलत हर साल लगभग 15 करोड़ रुपयों का कारोबार करते हैं। एक वक्त था जब वह ये सोच भी नहीं सकते थे कि Amazon.in के जरिए वह किताबें भी बेच पाएंगे, और आज वह इतना बड़ा व्यापार सिर्फ Amazon.in के जरिए ही चला रहे हैं। संकेत की कहानी दरअसल बदलती सोच का परिणाम है, जिसे Amazon.in जैसी कंपनी साकार करने का प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है। पुणे में रहने वाले 30 वर्षीय संकेत रजवाड़ा किताबों के बड़े कारोबारी हैं।
amazon.in पर विकास बुक हाउस पुणे के नाम से किताबों का बिजनेस करते हैं। किताबों की बिक्री का ये व्यापार दरअसल उनके पिता शांतिलाल रजवाड़ा की देन है। शांतिलाल रजवाड़ा 36 साल पहले 1982 में जब पुणे आए तो उन्होंने एक बुक शॉप में नौकरी की और फिर उन्होंने अपनी खुद की स्टेशनरी खोल ली, जहां उन्होंने किताबें भी रखना शुरू कर दी। अपनी जिंदगी में शांति भाई ने काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन सबके बावजूद उनका व्यापार अच्छा चल निकला। अपनी बातचीत में शांतिलाल रजवाड़ा के बेटे संकेत बताते हैं कि दुकान में कई किताबें ऐसी होती थी जो कहीं और नहीं मिलती थी, इस वजह से उनकी दुकान काफी फेमस होती गई। संकेत ने भी ऐसी किताबों को दुकान में बढ़ाना शुरू किया जो आसानी से कहीं और नहीं मिलती थी, लेकिन उनकी मांग काफी होती थी। धीरे धीरे विकास ट्रेडर्स की पहचान उन खास किताबों की वजह से होने लगी जो आमतौर पर दुर्लभ थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि ग्राहकों की संख्या गिरने लगी। पुणे के सिंगर कॉलेज से बीबीए और इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले संकेत ने यह पता लगाने की कोशिश की कि ग्राहकों की संख्या इतनी तेजी से क्यों गिर रही है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि अब लोग दुकानों में किताबें खोजने की बजाय ऑनलाइन ही किताबों को मंगवा रहे थे। साल 2014 की बात है जब संकेत ने यह तय किया कि क्यों ना वो भी अपने व्यापार को ऑनलाइन मार्केट में ले जाए। संकेत ने सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद amazon.in सहित कुछ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेलर के तौर पर खुद को रजिस्टर किया। संकेत बताते हैं कि सिर्फ 2 दिन में ही उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब बारी थी साइट पर अपने सामान की डिटेल्स को अपलोड करने की। उन्हें भरोसा नहीं था कि ऑनलाइन किताबों का बिजनेस फैल पाएगा, इसलिए उन्होंने प्रायोगिक तौर पर एक ही किताब अपलोड की जो कि 3 दिन के अंदर ही बिक गई। यह किताब कोई सामान्य किताब नहीं थी और इसे खरीदने वाले काफी कम लोग थे। उन्होंने एक के बाद एक ऐसी ही किताबें साइट पर डालना शुरू कर दी जिसका उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब संकेत सोचने लगे कि जब कम बिकने वाली किताबों को लोग amazon.in पर इतना खरीद रहे हैं तो बेस्ट सेलर्स यानी कि लोकप्रिय किताबों को तो अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा। उनका अनुमान सही निकला और उन्हें रोजाना 20 से 30 ऑर्डर मिलने लगे। अब उन्हें amazon.in पर बिजनेस करना समझ में आने लगा। बाकी रिटेल साइट्स पर उनका अनुभव कुछ खास नहीं रहा, इसलिए उन्होंने सिर्फ amazon.in पर अपना बिजनेस रखा और बाकी सभी साइट्स पर अपनी किताबें बेचना बंद कर दी। हालांकि संकेत अभी ऑनलाइन मार्केट को सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अब उन किताबों को भी बेचना शुरू किया जिनकी कीमत 7-8 हज़ार थी। संकेत बताते हैं कि ये किताबें रिसर्च से जुड़ी थी, इसलिए साल भर में दुकान पर इनके सिर्फ 6-7 कॉपियां बिकती थी, लेकिन amazon.in पर डालने के बाद उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वहां आने के बाद इन किताबों की कॉपियां सिर्फ एक हफ्ते में ही 20 से 25 तक बिक रही थी। इसके बाद संकेत ने इस बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उन्होंने अपनी दुकान मामा जी मनीष खत्री के भरोसे छोड़ी और खुद ऑनलाइन कारोबार में लग गए। धीरे धीरे संकेत अपना ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाते गए और आज स्थिति यह है कि amazon.in पर संकेत की विकास बुक डिपो के नाम से 10,000 किताबें लिस्टेड हैं। संकेत की इस वर्चुअल बुकशॉप को चलाने के लिए 28 कर्मचारी भी हैं। आज उन्हें हर रोज तकरीबन 1500 ऑर्डर मिलते हैं और साल भर में सिर्फ amazon.in के जरिए वे 14 करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं। उनकी दुकान पर जो किताबों का बिजनेस होता है उसे मिलाकर कुल टर्नओवर 26 करोड़ हो जाता है। एक वक्त था जब वह सोच भी नहीं सकते थे कि amazon.in के जरिए वह किताबें भी बेच पाएंगे और आज वह इतना बड़ा व्यापार सिर्फ amazon.in के जरिए चला रहे हैं। संकेत की कहानी दरअसल बदलती सोच का परिणाम है जिसे amazon.in जैसी कंपनी साकार करने का प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है। संकेत जैसे amazon.in सेलर से इस बात की मिसाल है कि अगर नजरिया नया हो और दिल में मेहनत करने का जुनून हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन करने में देर नहीं लगती। उन्होंने साबित कर दिया कि किसी खास मार्केट में दुकान खोजे बगैर अपना बिजनेस कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह सब संभव हो पाया उनकी बदलती सोच वाले नजरिए से, जिसकी वजह से उन्होंने amazon.in पर सेलर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इस वजह से उन्हें लाखों संभावित ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिला। आप भी अगर अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो सिर्फ एक क्लिक करने भर की देर है। तुरंत amazon.in वेबसाइट पर जाइए और अपने बिजनेस को लाखों ग्राहकों तक पहुंचाइए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए तो नोटिफिकेशन बेल दबा दें।